नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 18 महीने से स्कूल बंद है। इन स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट ने व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 60% से ज्यादा बच्चे इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रिमोट विकल्प पर चल रहे स्कूलों और शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से किए गए इस स्टडी में सामने आया है कि 60% स्कूली बच्चे वर्चुअल कक्षाओं में सिर्फ इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। एक और स्टडी में सामने आया है कि ग्रामीण ही नहीं शहरी क्षेत्रों में स्कूलों में भी आधे से ज़्यादा अभिभावकों ने इंटरनेट सिग्नल और स्पीड को लेकर शिकायत की है। इसके अलावा मोबाइल डेटा को लेकर भारी भरकम खर्चा भी उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 20% बच्चे ही ऐसे हैं जो इस महामारी के दौर में पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। इनमें से भी सिर्फ आधे बच्चे ही लाइव क्लास में जुड़ पा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेट की समस्या के कारण करीब 38% बच्चों ने स्कूल तक छोड़ दिया। सर्वे में कहा गया है कि 38% अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन क्लास सही तरीका नहीं है। इससे बच्चा उस तरह से पढ़ और समझ नहीं रहा है जैसे कि ऑफलाइन क्लास में होता है। हम दिखाते रहें लगातार खबरें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।